जनाब रीप्ले में खुशामदीद। और कहते हैं ना, इज दैट टाइम ऑफ द ईयर, पाकिस्तान सुपर लीग नाउ इज बजिंग हैपनिंग राइट नाउ। पीएसएल 9 से पहले आपको पता है कैटेगरी न्यू ला चुकी हैं, इसके साथ से पिक ऑर्डर आ गया है। अब ट्रेड की बातें हैं तो तमाम जो फ्रेंचाइजी बड़ी मुतहरिक हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज जो पूरा साल मुतहरिक रहती है और उनके बड़े ज़बरदस्त प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और यार आप ये सिलसिला पहुँचा है इस फ्रेंचाइज का अब जिम्बाब्वे तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर्स की, जिनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जहाँ से हमें शाहीन शाफीदी, हारिस रऊफ, इसी तरह दिलबर और बहुत सारे स्टार मिले, लेकिन अब पाकिस्तान से जनाब इनके जो एग्रीमेंट है विद जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट का, उसके तहत 5 फास्ट बॉलर गए हैं जनाब जिम्बाब्वे में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के सीईओ जनाब आतिफ राणा साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई ज्वाइन करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि पीएसएल की हैपनिंग पे तो ज़रूर आपसे बात होगी, और वो जैसे जैसे दिसंबर करीब आता है तो पीएसएल का एक बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे पहले सर आपके 5 माशाल्लाह फास्ट बॉलर गए हैं प्लेयर डेवलपमेंट के तहत जिम्बाब्वे में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। आतिफ भाई इसका बैकग्राउंड बताइएगा, ये सारी चीज़ें जो मटीरियलाइज हुई इसके पीछे क्या सोच है, और फिर जो यंग लड़के गए हैं डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दूसरे मुल्क में जाकर क्रिकेट सीखें। बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखो इसके पीछे सोच तो वही है कि जिस सोच के साथ हम पीएसएल में गए थे और हमने लाहौर की फ्रेंचाइज ली थी, उसकी सोच भी यही थी, अप्रोच भी यही थी कि पाकिस्तानी नौजवानों को हमने एम्पावर करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको मैदानों में वापस लेके आना है और पाकिस्तान को नया टैलेंट देना है। सो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये काम मैं ज़ोरों शोर से जारी रखता हूँ, तो समीन जो मेरा पार्टनर है उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यॉर्कशायर हो, साउथ अफ्रीका हो, नामीबिया हो और अब जिम्बाब्वे। सो उन्होंने ये उनको उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये एग्रीमेंट किया था कि हम जिम्बाब्वे की क्रिकेट को जो है सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे आपको पता है कि जैम एफ्रो T10 का मेला भी सजा था, जिसमें भी लाहौर कलंदर्स ने डर्बन कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। सो उधर वहाँ पे फिर हमारा उनसे ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आपने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है पाकिस्तान में, जिससे 55 प्लेयर्स उभर के सामने आए, सो आप हमारे क्रिकेट में भी हमारे साथ ये करें काम। तो फिर हमने वहाँ पे 3-4 शहरों में ओपन ट्रायल लिए और वहाँ से फिर हमने कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जिनको फिर अभी वो लाहौर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं पिछले 4-6 महीने से। और उसके साथ साथ हमने ये किया था कि हमारा जो यहाँ का टैलेंट है उसको हम किसी तरह इंटरनेशनल जो है, एक तो होता है टूर्नामेंट जिसमें आप ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए जाते हैं, सो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि हम अब बच्चों को 4-day क्रिकेट की तरफ लेके आएं। और हम जिम्बाब्वे में फिर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी डोमेस्टिक में हमारे इस साल तो 5 फास्ट बॉलर जो है 140 प्लस पे वो जिम्बाब्वे गए हैं, सो उनका वहाँ पे वो जो है उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उनकी खेलेंगे। 5 टीमें, एक एक प्लेयर जो है वो एक एक टीम की तरफ से खेलेगा, और जाते ही उन्होंने अच्छी खासी जो है धाक वहाँ पर बिठाई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम यही समझते हैं कि नौजवानों को जितने भी हम प्लेटफॉर्म दे सकें, जितने भी उनको अकोमोडेट कर सकें, हमें करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और जैसे आतिफ भाई ने फरमाया कि जो 5 प्लेयर्स गए हैं जिस तरह वो सिलेक्ट हुए, जाने से पहले बड़े खुश थे, उनके पैगाम हमारे पास मौजूद हैं, आइए सुनवाते हैं कि जब वो जा रहे थे जिम्बाब्वे उनके क्या एहसास। बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने देखा। और आतिफ भाई मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ जब T20 लीग की बात हो रही है, T20 का दौर है, ऐसे में जैसे आपने खुद कहा कि जो 4 रोज़ा क्रिकेट है जो हमारी फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट, फिर आगे टेस्ट जो हमारे बॉलर बनने हैं, सो इसके पीछे अच्छे डेफिनेटली मेहनत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि T20 के स्टार्स आज कल जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जो 4-day के हैं डोमेस्टिक एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो आतिफ भाई इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक कि आप दूसरे फॉर्मेट्स को भी साथ साथ अब टच कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें बात यह है कि आपको पता है कि दुनिया में अब T20 क्रिकेट का रवाज ज़्यादा हो गया, और आपको मैं ये बताऊं कि T20 के प्लेयर्स भी आसानी से नहीं मिलते। आपको हारिस की स्टोरी याद है कि हारिस 2017 में गुजरावाला ट्रायल देने आया और वहाँ पे 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया, उसमें से वो सिलेक्ट हुआ, फिर वो 2 साल हमारे साथ रहे और उनको हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो फिर PSL में जल रहे फ्रोज हुए। तो ये भी आसान बात नहीं होता, अपॉर्चुनिटी की बात है। देखिए आपने अपने मुल्क के नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपके पास वो सेटअप है कि नहीं है। ऑब्वियसली 4-day में हमारी टीम तो है नहीं, डोमेस्टिक में तो है नहीं, सो हमने क्या कहा, हमने कहा हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, और ना सिर्फ उनको एक्सपोजर मिलेगा बल्कि जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे जब 140 प्लस बॉलर को खेलेगा तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग टेक्निक और उनकी बैटिंग भी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है सर, आपने बात की डेफिनेटली हारिस रऊफ के ऊपर जरूर बात करूंगा, लेकिन पहले आपको जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSL 9 अब चुके बहुत उसकी बात हो रही है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि बड़ी इसकी जो ना हाइप बन रही है, फिर जहरी बात है आप लोगों ने 2 मुसलसल सीज़न जीते हुए हैं और इसके साथ साथ टीम बहुत अच्छी है, और बल्कि मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक आते भाई आपकी टीम ट्रेड वो किसी चीज़ में दिखाई नहीं दे रही, इट मीन्स के यहाँ सब सन्नाटा है, खामोशी है, सब चीज़ ओके हैं।
नहीं देखे वो शाहीन जिस तरह कहता है ना कि यार ये कलंदर्स फैमिली है और ये पूरे पाकिस्तान की फैमिली है, तो हमने वो जो 3-4 साल की मेहनत थी शुरू शुरू में जब लोग हम पे बैशिंग करते थे कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये ग्राउंड के बाहर खेल तमाशे करते हैं, ग्राउंड के अंदर आके फेल हो जाते हैं, लाहौर का नाम डुबो देते हैं, सो वो वक्त ग्रास रूट लेवल पे मेहनत कर रहे थे, उस वक्त हम पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर कर रहे थे ताकि उनको एक दिन दुनिया के सामने शोकेस किया जा सके। तो आपने देखा कि फिर ना सिर्फ हमारा वो जो हमारी मेहनत थी ना सिर्फ हमारे काम आई बल्कि पाकिस्तान के काम भी आई, और आज शाहीन शाह अफरीदी जो है T20 का पाकिस्तान के कैप्टन है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी छोटी सी काविश है जो हम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए करते रहते हैं। सो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये कलंदर फैमिली जो है हर साल पहले से बेहतर और बड़ी होती जाएगी। आई नो रातिब भाई, जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कोई क्रिकेट का सवाल तो आप आकिब भाई पर और फिर समीन भाई पर डाल देते हैं, लेकिन मैंने ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो उसके हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं जो हमारे फैंस जरूर जानना चाहते हैं, वो मैं करूँगा आतिब भाई से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। इतने में खुश आमदेद, पाकिस्तान सुपर लीग का जो नवा सीज़न है वो फरवरी में शेड्यूल है, लेकिन उसकी जो हाइप है आपको पता है कि जब दिसंबर में ड्राफ्ट करीब आता है या नवंबर में तो एकदम से उसकी फैंस अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है। आतिब साहब, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी शेड्यूल जो है वो भी कन्फर्म नहीं है, जाहिर बात है इलेक्शन का मामला भी बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन फ्रेंचाइजेस या स्पेशली लाहौर कलंदर्स आतिब भाई इस हवाले से क्या सोच रहा है कि जब तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई, फिर ये भी बात मौजूद है कि शायद पाकिस्तान से बाहर कुछ मैचेस करा लिए जाएँ, कुछ लोग कह रहे नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए, आतिब भाई आपकी क्या राय है? देखिए मेरी वही राय है जो आवाम की राय है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ये ब्रांड है और ये जो है पाकिस्तान के आवाम इसके पीछे जो है वो खुशी से निहाल होते हैं और पाकिस्तान के आवाम इसको अपने प्लेयर्स को अपने दरमियान देखना चाहते हैं, और आगे एशिया कप में इंडिया की वजह से वो नहीं देख सके और उसके बाद आगे आपने चैम्पियंस ट्रॉफी भी करानी है, तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम से हटा नहीं सकते इसको, क्योंकि इस लीग के 3-4 कंपोनेंट्स हैं, एक ऑब्वियसली फ्रेंचाइजेज हैं, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक एडवर्टाइज़र है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से ये सारा मेला लगता है वो लोग हैं, तो लोगों के दरमियान इनको मेरा ख्याल होना चाहिए। तो आतिब भाई अभी तक जो डिस्कशन हुए हैं, जो मुझे पता है इस पर हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ये आपके ख्याल में बेहतर सोल्यूशन क्या है कि हम आगे कुछ मैचेस कर दें, शेड्यूल थोड़ा सा आगे ले जाएँ, आपके ख्याल में इसका वर्केबल एक ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक दिन के इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में कौन सा एक महीने के इलेक्शन होते हैं, सो उसके 2-4 दिन के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफ़ा जो सीज़न आया जिसमें हाईएस्ट एवर रेटिंग की 8.4 के करीब 8.48 टू बी एग्जैक्ट को लाहौर कलंदर्स का ही मैच था, तो वो आप उसके जब आप इसको बाहर ले जाएंगे तो ये फिर टीवी का प्रोडक्ट बन जाएगा और पाकिस्तान में लोगों को आगे खुशी से तरसे हुए लोग हैं, उनको पहली खुशी ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलती है, PSL एक वाहिद इवेंट है जो पूरे पाकिस्तान में खुशियां बांटता है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इवेंट पूरी दुनिया में जाकर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर ये है कि हमेशा जब इंशाल्लाह आप आते आगे भी आते रहेंगे पहले हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनेंशियल मॉडल है, और फिर मैं बात कर रहा हूँ जुड़ी हुई उससे कि इस बार आपने देखा कि एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हुए, फिर 3 मैनेजमेंट तब्दील हुई, आतिब भाई इस वक्त फ्रेंचाइजेस या स्पेशली लाहौर कलंदर्स आप लोग की क्या राय है, ये जो सारे मामला अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं एवरीथिंग फाइन, या आपको लगता है कि ये बार बार की तब्दीलियाँ हैं इसका असर पाकिस्तान सुपर लीग पर भी पड़ता है? लेकिन बात यह है कि हम ऑब्वियसली हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ के साथ उस तरह काम नहीं करते, लेकिन किसी भी अदारे में अगर आप बार बार तब्दीली लेके आए तो ऑब्वियसली वो चैलेंजिंग तो होता है, और PCB में भी आपने देखा, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि अभी तक के जो काम हो रहे हैं उसके अंदर मेरा तो ये जाती राय है कि अच्छा काम हो रहा है और इनशाला PSL जो आने वाला PSL जो है वो पहले से बड़ा और बेहतर होगा। सर आई नो कि मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा कि आप ज़रूर कहेंगे कि ये क्रिकेट के मामलात हैं, आप आकिब जावेद से पूछिएगा, लेकिन मैं ज़रूर फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि ये सवाल लोगों के देने बहुत है, चूँकि राशिद खान इज़ द बिगेस्ट स्टार और लाहौर कलंदर के साथ हैं, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा उनकी इंजरी का इशू हुआ, लेकिन आई नो कि बहुत टाइम है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह वो लाहौर कलंदर के लिए अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर वो फिट हुए तो डेफिनेटली क्यों नहीं अवेलेबल होंगे, और वैसे भी आपको पता है कि राशिद बहुत बड़ा स्टार है दुनिया का, लेकिन ऑब्वियसली हमारे अपने बच्चे भी जो है वो किसी से कम नहीं है, इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में आपको कोई सरप्राइज पैकेज भी मिल सकता है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, सरप्राइज पैकेज के लिए हम हमेशा की तरह मुंतजर होंगे। अच्छा सर एक जरूर मैं आपसे चीज़ पूछूंगा, जो हारिस रऊफ वाला मामला हुआ, चूंकि उनकी जो अवेलेबिलिटी फॉर टेस्ट मैचेस सारा कुछ, आकिब जावेद ने भी इस पर बात की, आपने भी एक जगह बात की, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई, बात उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ बोर्ड में नाराज़गी मौजूद है या टीम मैनेजमेंट ने कोई फैसला कर लिया था, हालांकि मेरी ज़ाती राय में
प्लेयर आप ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप पहले उसको शायद खिलाते हैं, उसके बाद वो चीज़ें यहाँ तक पहुँचते कि वो टेस्ट क्रिकेट जाते आते। भाई आपकी क्या राय है, चूँकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो आपके साथ बहुत जुड़े रहे हैं, आप ही इसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ तश्नगी हो गई, आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्योंकि प्लेयर्स को डील करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप बतौर फ्रेंचाइज इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी देखिए, बात यह है कि आपको स्टैट्स के ऊपर जाना चाहिए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब करवाते हैं सो ऑब्वियसली वो 4 डे क्रिकेट होती है, उसके अंदर ढेरों ढेर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, वो 6 महीने तक बेचारे धूपों में ख्वार होते हैं। तो वो किस लिए ख्वार होते हैं, वो इसलिए ख्वार होते हैं कि आप उसकी जगह जो है किसी आप ऐसे बॉलर को मौका दे दें जिसने 4 डे ना खेली हो पिछले 1-1.5 साल में, या उसके टेस्ट की वो परफॉर्मेंस भी ना हो। सो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो वर्ल्ड कप के दौरान ये बात हो रही थी कि जी हारिस जो है वो 10 ओवर नहीं करवा सकते। सो ऑब्वियसली आपने अगर अब टेस्ट मैच में उनको डालते हैं तो उनको प्रेपरेशन तो होती है ना। आप ये तो नहीं हो सकता, अब जिस तरह आप लाहौर कलंदर की मिसाल आपको देता हूँ कि सारा साल हम काम करते हैं, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर कोचेज काम करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, वो लड़के मेहनत करते हैं, PSL में उन्हें शो केस करते हैं। सो जब कोई टेस्ट आता है या कोई जब मैच आता है टूर्नामेंट आता है तो वहाँ पे आप प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ प्लेयर शोकेस कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात पे लॉजिक वाली बात है आप इस बात पे भी सेकंड करेंगे कि मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया और थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हो गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। 2 साल पहले आपने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, शाहीन शाफीदी कप्तान बने लाहौर कलंदर्स के, और उस वक्त बहुत सारी बातें हो रही थी कि शाहीन इज़ रेडी और नॉट, और कोई बर्डन ना हो जाए, लेकिन वो इन्होंने तो पूरा का पूरा फॉर्चून तब्दील किया लाहौर के लिए और ज़बरदस्त कप्तान साबित हुए। नाउ माशाल्लाह ही बिकम द पाकिस्तान T20 कैप्टन, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और जाहिर बात है PSL 9 भी इंशाल्लाह वो लाहौर कलंदर से कप्तान होंगे। सो आते भाई इस जर्नी के बारे में बताइएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपने उसको दी, वहाँ वो ग्रूम हुआ और देन ही नाउ इवेंचुअली बिकम द पाकिस्तान कैप्टन। देखिए बात यह है कि ऑब्वियसली शाहीन फैमिली है और जब फैमिली में आपके कोई तरक्की करता है तो पूरी फैमिली खुश होती है। मुझे तो आज भी याद है 2017 में जब वो पहली दफ़ा आए थे और समीम के साथ उनकी इंटरेक्टिव, तो वो दिन और आज का दिन शाहीन इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। और आपने देखा कि जो काम अजहर अली नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, ब्रावो नहीं कर सके, ये AB डिविलियर्स नहीं कर सके, ब्रेंडन मैकेलम नहीं कर सके और हमारे हफीज भाई नहीं कर सके, वो शाहीन शाह अफरीदी ने ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि रिटेन करके भी दिखाया। ज़बरदस्त सर, आखिर में एक सवाल मैं इसलिए करना चाहूँगा, कहते हैं जब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो बाकी सबको साथ लेके चलना चाहिए। 4 शहरों में आते भाई माशाल्लाह लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो मेला लगा PSL का, हमने देखा ज़बरदस्त PSL हुई, आप लोगों ने जीती भी, लेकिन होम एंड अवे की बहुत बात होती है आते भाई कि तमाम हमारे जो 6 टीमें हैं वो होम एंड अवे पे खेलें, 4 टीमें माशाल्लाह खेल रही हैं। आज जावेद आफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया कि नो इफ एंड बट होने चाहिए, हमें पेशावर में मैचेस ज़रूर कराने चाहिए। आते भाई मैं सिर्फ ओवरऑल एक क्रिकेट लवर के तौर पर अगर आपसे या फ्रेंचाइज ओनर के तौर पर कि वो जो होम एंड अवे का जो तसव्वुर है, अब तक क्वेटा नहीं पहुँची लीग, पेशावर में पत्नी 4-5 साल से स्टेडियम बन के नहीं दे रहा, आपकी क्या राय है आते भाई इस पूरे मामले पर? जाहिर बात है होम एंड अवे जिस तरह हम IPL में देखते हैं क्राउड भरे होते हैं, एक राइवलरी बनती है, आई थिंक कंप्लीशन होगा उसी वक्त जब ये लीग 6 के 6 शहरों में पहुंचती है। देखिए जावेद भाई के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे 3 साल से वो यही ट्वीट करें कि अल्लाह के वास्ते किसी तरह पेशावर में मैच करवा दो। देखो गफार, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था होम एंड अवे, क्योंकि दुनिया में जो लीग मॉडल होते हैं ये एक तो उनके अपने मुल्कों में होते हैं, मुल्क से बाहर नहीं होते हैं, और दूसरा होम एंड अवे होते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली शुरू में दुबई में करना पड़ा और फिर अल्लाह अल्लाह करके हम पाकिस्तान उसको वापस लेके आए, लेकिन जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक वो नहीं कर सके। पेशावर में भी स्टेडियम होना चाहिए, क्वेटा में तो ऑलरेडी आपने पिछले साल एक एग्जीबिशन मैच भी हुआ, तो जो क्वेटा के अवाम है वो अपनी टीम को अपने दरमियान खेल के देखना चाहते हैं, जिस तरह हम इतराज करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता। सो इसी तरह पाकिस्तान लाहौर के लोग अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, कराची के लोग अपनी टीम को देखना चाहते हैं, पेशावर के लोग चाहते हैं कि उनकी टीम वहाँ खेले। आप सोचिए जलमी और कलंदर्स का मैच हो रहा हो पेशावर में तो तिल रखने की जगह आपको नहीं मिलनी वहाँ पर, बिकॉज दोनों तरफ के फैंस जो है बड़े तगड़े हैं और हर कोई चाहता है कि टीम जाके अपनी टीम का हौसला बढ़ाए, उसे सपोर्ट करे। ना सिर्फ ये बल्कि सही मानों में होम एंड अवे होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल मॉडल में भी होना चाहिए, जिस तरह IPL में होता है या बाकी लीग्स में होता है कि जब आप एक शहर में खेलते हैं तो उसका सारा रेवेन्यू आपका होता है और कॉस्ट भी आपकी होती है। इसी तरह मेरे ख्याल में अगर इस लीग को अच्छा और पहले से बड़ा बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर जो है स्टेडियम के अंदर खेल सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राणा साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL 9 एंड फॉर योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।